आज मुझे ये गर्व है बताते हुए आपके बीच में, अभी मैंने ICS के जो बच्चे थे उनके बीच में मैं गया था, ट्रेनिंग करके निकले हैं। अरे वो गरीब परिवार के बालक, जो कल्पना से परे की बात है, हरियाणा सरकार के अंदर ICS अधिकारी लग रहा है, सोच भी नहीं सकते थे। भूपेंद्र हुड्डा की सरकार के अंदर कौन लोग लगते थे? अरे गरीब परिवार का बच्चा तो कभी कल्पना से परे की बात थी, नहीं लग पाता था, पैसे के अभाव के कारण नहीं लग पाता था। परंतु आज हमारी सरकार के अंदर यह ट्रांसपेरेंसी आई है कि गरीब परिवार का बच्चा भी बिना पर्ची बिना खर्ची के ICS अधिकारी लग रहा है। ये अगर किसी ने दिया है, हमारी सरकार ने दिया, वो भी बताएं कि 10 वर्षों के अंदर, वो नौकरी की बात करते हैं आज भी उस बात को लेकर के, बेरोजगारी की वो बात करते हैं, क्यों गुमराह कर रहे हैं? आप बात करते हैं बेरोजगारी की, बेरोजगारी के अंदर आप 10 साल प्रदेश के मुखिया रहे हैं, 10 सालों के अंदर कितनी नौकरी लगाई है, किस आधार के ऊपर लगाई है? और जो बच्चे लगे हैं, हाई कोर्ट ने, माननीय कोर्ट ने उनको बाहर का रास्ता दिखाया है, क्योंकि प्रक्रिया गलत थी, किस प्रकार से वो प्रताड़ित रहे हैं। मैं भी आज बड़े फकर के साथ कह सकता हूं, उसमें जमीन आसमान का अंतर है, जितनी नौकरी उन्होंने 10 वर्षों में लगाई और जो नौकरी हमने 10 वर्षों के अंदर लगाई, जमीन आसमान का अंतर है। अभी भी मैंने कहा है, जब से हमने चार्ज लिया है, हमारा टारगेट है, लगातार हम भर्ती कर रहे हैं। अभी 2-4 दिन के अंदर ही शीघ्र ही कुछ टीचर्स हैं, 6,000-6,500 बच्चे वो अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर जाएंगे, और हरियाणा पुलिस के 6,500 जो है, हमने कहा कि अगस्त तक हम लगभग 50,000 नौकरी और देंगे, बिना पर्ची बिना खर्ची के देंगे। यह हमारी सरकार, लेकिन सरकार ने कोई समझौता नहीं किया कि हमारी सरकार की बदनामी होगी। अगर किसी ने बच्चों के साथ चीटिंग करने का काम किया है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का काम हमारी सरकार ने किया है, आगे भी ये निरंतर जारी रहेगा। अरे बच्चों को आज ये लगने लगा है कि ये सरकार, ये हमारी सरकार है जो हमारे अधिकारों को सुरक्षित कर रही है। आज बच्चे, पहले तो घूमते थे कि भाई किसी मंत्री के, विधायक के, मुख्यमंत्री के चक्कर काटते थे, आज वो चक्कर काटते हैं कोचिंग सेंटर के चक्कर काटते हैं, वहां पर मुझे पढ़ते दिखाई देते हैं। ये अंतर इस सरकार के अंदर आया है। आज हमारा युवा मेहनत करता हुआ दिखाई दे रहा है, उसका परिणाम है कि सरकार मजबूती से उनके साथ खड़ी है।